शिव, जिनके अघोर स्वरूप से कम ही लोग होंगे जो वाकिफ ना हो, सभी इनके इस स्वरूप को जानते हैं। शमशान में रहने से लेकर चिता की भस्म लगाने तक शिव हर पल लोगों को जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिव से मिला शब्द अघोरी क्या है? अघोरी क्यों? ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी छवि बन जाती है, कभी सोचा है आपने? दरअसल सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन शिव की भक्ति इन सभी देवों से अलग है और इनके पूजने का तरीका भी, और शिव के परम भक्त भी अघोरी। लोगों के मन में अघोरी को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वो अक्सर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जवाब ढूंढने लगे तो हाथ खाली रह जाते हैं और जो समझ आता है तो वो है अघोरी। शिव भक्त है जो घोर नहीं, जो सहज है, सरल है, समान भाव वाला है, जो सड़े हुए मांस को भी उतनी ही चाव से खाता है जितना कोई स्वादिष्ट भोजन को खाता हो। लेकिन इनकी तपस्या, इनका जीवन और इनसे जुड़ी वो कहानी कोई नहीं जानता जिसका वर्णन शिव पुराण में दिया गया है। आज हम आपको पुराणों में दी गई जानकारियों की मदद से यही बताने जा रहे हैं कि आखिरकार शिव भक्त ही क्यों बने अघोरी, कैसे मिला उन्हें ये नाम। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको उसमें सती से जुड़ी वो कथा मिलेगी जिसमें सती के पिता दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, महाराजाओं और प्रजापतियों को बुलाया। इसके अतिरिक्त शिव सती को भी आमंत्रित किया। सभी लोग यज्ञ स्थल पर आए और अपने आसन पर विराजमान हुए। जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तो ब्रह्मा, शिव, सती के अतिरिक्त सभी लोग उनके सम्मान में उठ खड़े हुए, लेकिन शिव का ध्यान दक्ष पर नहीं गया और वो बैठे ही रहे, जिसको देख दक्ष को लगा कि शिव उनका अपमानित करने के लिए खड़े नहीं हुए। इस बात से नाराज होकर दक्ष ने शिव को श्राप दिया कि आपको कभी कोई किसी यज्ञ में शामिल नहीं करेगा। तभी से इस बात से क्रोधित होकर नंदी ने दक्ष को श्राप दिया कि वो बकरे जैसा शरीर धारण करे और सारी उम्र कामी अभिमानी बने रहे। तब श्राप से गुस्साए ऋषि भृगु ने भी शिव को श्राप दिया कि तुम्हारे भक्त धर्म और कर्म शास्त्रों से अलग आचरण किया करेंगे, वे जटा धारण करेंगे और भस्म से अपना श्रृंगार करेंगे। बस तभी से भगवान शिव ने अपने भक्तों का नाम अघोरी रखा और इनको वरदान दिया कि अघोरी तब तक धरती पर रहेंगे जब तक प्रलय नहीं आ जाती। साथ ही ये भी कहा कि अघोरी वो शक्तिशाली लोग होंगे जिनकी तपस्या देवताओं के बराबर मानी जाएगी। बताया जाता है कि तभी से शिव भक्त की तपस्या सभी धर्मों से विपरीत चलने लगी। रहने के लिए जो जगह रही वो शमशान, जटाधारण, शरीर पर राख मलना, ऐसी तमाम चीजें हैं जो अघोरी की तपस्या का कठिन हिस्सा बन गया।